अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपको हम कुछ अलग दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज हम अभी आए हैं अपने खेत पर, जो कि आलू और प्याज और लहसुन गोभी का हम लोग जो खेती किए हैं वहां पर हम आए हैं। ये एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, गाँव में कैसे लोग खेती करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आलू लगा हुआ है दोस्तों, और वो आप देख सकते हैं वो प्याज है। और आपको उधर भी ले जाएंगे, जो आप ये देख सकते हैं गोभी वोभी लगा हुआ है, बंदा गोभी है, फूल गोभी है, ये सारे गोभी है, ये सब चीज़ आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए आप। तो दोस्तों, आइए आपको हम थोड़ा गोभी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा बड़ा नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा होता है दोस्तों। इसके बगल में ये मिर्च का पेड़ है, इसमें अभी फूल भी नहीं लगा है। ये आप देख सकते हैं पूरा गोभी लगा हुआ, ये पूरा गोभी है। और आपको बंदा गोभी भी दिखाएंगे। हाँ तो दोस्तों, चलिए, ये है दोस्तों बंदा गोभी, ये आप देख सकते हैं, ये है अभी पूरा तरीके से अभी नहीं बना है, ये आप देख सकते हैं अभी शुरुआती ही है। और इसके बगल में ये आप देख सकते हैं मटर, इसको देसी मटर दोस्तों, अभी इसमें फूल लगे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये फूल है, इसमें दाने निकलेंगे, फिर इसकी सब्ज़ी बनेगी दोस्तों। ये आप पूरा देख सकते हैं, ये पूरा खेत, ये लहसुन है, वो आलू है, ये प्याज है, ये आप देख सकते हैं गांव में कैसे खेती होती है, गांव के लोग कैसे खेती करते हैं, ये सब देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से घेर रखा है, ताकि इसके अंदर जानवर नहीं आए और ये आके चरण नहीं ले, इसीलिए चारों तरफ से घेर रखे हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पे आए हैं, बच्चे लोग चिड़िया पकड़ रहे थे गांव देहात में, जो फंदा लगा कर, ये आप देख सकते हैं, ये रस्सी है, उसमें दाना डाला हुआ है, आपको वहाँ भी ले जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखो, ये देख सकते हैं, ये आइए, इसमें रस्सी लगा हुआ है, इसको खींच कर रखते हैं, इसके अंदर चिड़िया घुसता है, तो फिर उसके बाद इसको ऐसे करके गिरा देते हैं, इसके अंदर दाना डाला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से चिड़िया आता है तो उसको धीरे से ऐसे करके गिरा देते हैं। इस तरह गांव देहात में दोस्तों चिड़िया को पकड़ते हैं। दोस्तों, अभी हम आया हैं चारा काटने के लिए गाय के लिए, और काटते हैं दोस्तों। आप देखिए, oh,